गोरखपुर में महामहिम उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी 176 करोड़ की लागत से 49 एकड़ में निर्मित उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल के लोकार्पण कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। यह सैनिक स्कूल विद्यार्थियों को जीवन में अनुशासन और उत्तरदायित्व का बोध कराने के साथ ही उनके उज्ज्वल भविष्य का मार्ग प्रशस्त करेगा। गोरखपुर प्रथम आगमन पर महामहिम उपराष्ट्रपति जी का हार्दिक अभिनंदन एवं परम पूज्य महाराज जी को धन्यवाद। पूर्वी उत्तर प्रदेश को प्रथम सैनिक स्कूल की सौगात प्राप्त होने पर प्रदेशवासियों को हृदय से बधाई। पहली बार आदरणीय उपराष्ट्रपति जी का आगमन हुआ है और वह भी एक ऐसे पवित्र कार्यक्रम के उद्देश्य से जो पीढ़ियों का निर्माण करेंगे, जीवन के अनुशासन के प्रति और अपने उत्तरदायित्वों के प्रति हमारे क्या कर्तव्य है इसका बोध कराने के लिए जिस एक संस्थान का लोकार्पण आपके कर्तव्यों से होने जा रहा है उस संस्थान से निकले हुए छात्र इसके प्रतीक बनेंगे। इस दृष्टि से आज यह उत्तर प्रदेश के लिए और खासतौर पर पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण दिन है। गोरखपुर पौराणिक और ऐतिहासिक कालखंड से ही महत्वपूर्ण जनपद रहा है। इस जनपद की अपनी विशेषता है कि महायोगी और गोरखनाथ की पावन साधना स्थली तो है ही, सनातन हिंदू धर्म का साहित्य का एक केंद्र, गीता प्रेस के माध्यम से पूरे देश और पूरी दुनिया के अंदर उसके प्रचार प्रसार का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र भी गोरखपुर है। देश की आजादी की लड़ाई में 1857 के प्रथम स्वतंत्र समर के दौरान शहीद बंधु सिंह के नेतृत्व में अनेक क्रांतिकारियों ने विदेशी हुकूमत की जुलों को हिलाने का काम किया था। आजादी के उस आंदोलन के दौरान चोरी चोरा की 1922 में घटित